फ्रेंड्स, मैं हूँ अनफ फारूक एंड टेल्स आर इंटरनेशनल लाइफ से। जी तो आज मैं लेकर आई थी, शाम का टाइम हो रहा था तो एक मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं बनाने जा रही थी, कराची के मशहूर दही बड़े, मीठे दही बड़े जो मतलब कराची में मिलते हैं और बहुत फेमस हैं। तो वो बनाते हैं हम घर में होममेड स्टाइल में। तो ये मैंने मतलब मेरे पास बाज़ार की दही फुल्कियाँ हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं ये लूँगी, ये हम मतलब बेसन की जो बूंदी है वो तो हम घर में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं बना रही थी जल्दी जल्दी में, शाम का टाइम हो रहा था, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने दही बूंदियाँ ली हैं और ये मैं इसमें गर्म पानी डाल के इसको डिप कर दूँगी। 10 से 15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है, नरम हो जाती हैं, तो इसको हम गर्म पानी डाल के डिप करते हैं। चलिए जी, अब मैं इसमें गर्म पानी डाल के इसको डिप करके रखूँगी। 10 से 15 मिनट में ये जो है हमारी दही बूंदियाँ बहुत अच्छी सी सॉफ्ट बहुत अच्छी सी हो जाएंगी। चलिए जी, अब हमने अपना जो दही बड़ों का दही मीठे दही बड़े जो मैं बना रही हूँ उसका दही, ये मैंने दही लिया है, ठीक है, ये हम पूरा एक बाउल में ले लेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है मीठे दही बड़ों में, दही बड़ों की, तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। चल, दही मैंने ले लिया है यहाँ पे, अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून के करीब शक्कर, 1, 2, 3, 4, 5 टेबल स्पून मैंने इसमें शक्कर डाली है। उसके बाद यहाँ 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट काला नमक डाल रही हूँ और इसको हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही जो है हमारा इतना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे कि बहुत मज़ेदार सा मतलब इसमें क्रीमी सा एक टेक्सचर आ जाएगा, तो बहुत मज़ेदार सी मतलब बनते हैं, ये क्रीमी टेक्सचर आता है और दही को जितना हम फेंटेंगे उतना अच्छा हमारा सा टेक्सचर आएगा इसका। तो पहले हम दही शक्कर और नमक को अच्छा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये हमारी जो है कुकिंग क्रीम है मेरे पास, ये 1/2 मैं इसमें डालूंगी कुकिंग क्रीम, आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे क्रीम के साथ। चलिए ये देखिए हमारा दही जो है बहुत अच्छा सा मैंने ब्लेंड कर लिया है। बाउल जो मैंने लिया था उसमें मैं इस तरह इसको मिक्स नहीं कर पा रही थी, तो मैंने बाउल चेंज करके इसमें कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी सी क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है दही का, हमारे दही और क्रीम का। जितना हम इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा ये हमारा मतलब दही और क्रीम जो है वो मिक्स होंगे और बहुत क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाएगा जो हमें दही चाहिए उसका। चलिए जी, हमारा जो दही है वो मैंने बहुत अच्छा सा फेंट लिया था, उसको बाद मैंने उसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा है, क्योंकि दही जो है वो जितना भी ठंडा होता है उतने मज़ेदार ये हमारे मीठे दही बड़े लगते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो दही की फुल्कियाँ जो बूंदियाँ हमने पानी में डिप की थी वो कितनी अच्छी सी फूल गई हैं और कितनी अच्छी थी, आप ये लोग देख सकते हैं। आप लोग ये देखिए कितनी अच्छी थी, मतलब सॉफ्ट हो गई है। और अब मैं इसका पानी बिल्कुल मतलब फेंक कर और इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये बहुत मैंने गर्म पानी लिया था तो ये अभी तक इसमें से मतलब धुआं धुआं होता है पानी में से, तो मैं पानी फेंक के अब मैं फुल्कियों को ठंडा करने के लिए रखूँगी। चलिए जी, फुल्की जो है हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं ऐसे लेके इसमें जितना भी पानी है हम इसको ऐसे करके पूरा उसका पानी निकाल लेंगे ताकि हमारे इसके अंदर पानी ना हो। आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है दही बड़ों की, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा।
अब मैं इसमें दही डालूँगी जो हमने मीठा दही बनाया था। चलिए दही मेरा हमने इसमें ठंडा करने रखा था, तो अब ये मैं दही बड़ों पे डालूँगी और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना क्रीमी क्रीमी फॉर्म इसका बना है, बहुत अच्छे से शक्ल आई है। मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को मिल सके। आप लोग देखिए कितनी मज़े का इसका दही की मतलब शक्ल आई है। ये कराची में तो भाई बहुत शौक से खाए जाते हैं, मिलके दही बड़े मशहूर बंस रोड के मतलब मिलते हैं, ये बंस रोड है कराची में वहाँ पे, तो बस वही बनाए थे घर में अपने स्टाइल से। अब आप लोग ट्राई कीजिए, बताइए आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है या नहीं आई। अच्छा अब मैं इसमें डालूँगी, मेरे पास ये पापड़ी है, ये मैं इसमें डालूँगी। पहले तो पापड़ी को मैं क्रश कर लेती हूँ अच्छे से। हम डालेंगे पापड़ी, ये मेरे पास यहाँ पे शान का चाट मसाला है, ये डालूंगी मैं इसके ऊपर। मज़ेदार से हमारे दही बड़े आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी से इतने मज़ेदार सी शक्ल आ गई है। दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए जी हमारी जो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, देखें मज़ेदार से बन चुके हैं दही बड़े। अब हम इसको खाते हैं मज़े मज़े से और आप लोग मेरी व्लॉग देखते रहें और अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें मेरी व्लॉग देख के, और फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।